हैं आप सब लोग किचन विद नौरीन में। मैं हूं आपके साथ और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक टी टाइम रेसिपी है और अभी रमज़ान भी आ रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन बॉल्स। तो चलें उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो नज़र ही आ रही होंगी। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने ली है चिकन, ये मैंने बॉईल कर ली है और बॉईल करके इसको इस तरीके से श्रेड कर लिया है थोड़ा मोटा मोटा सा। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था जब मैंने इसको बॉईल किया था। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 अदद आलू, छोटे साइज़ के लिए थे, तो इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। और कोटिंग के लिए हमें चाहिए ये कॉर्नफ्लेक्स और 1 अदद चाहिए अंडा। और इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो ये हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हसबे ज़रूरत लिया है मैंने नमक। और यहाँ पे मैंने लिया है आमचूर पाउडर, आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा पाउडर। और 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिया है धनिया। और इसको थोड़ा टेंगी और स्पाइसी सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी, ये मेरे पास पेरी पेरी सॉस है तो ये मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी हॉट सॉस वगैरह डाल सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगी हमारी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर ये जो सारे मसाले थे ये डाल देने हैं इसके अंदर। और ये जो आलू है इसको मैं हाथ से भी कर सकते हैं, इसको बस इस तरीके से करके मुझे हाथ से ही मिलाना है। तो ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर ही, ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है बोल। तो इसके अंदर मैं आलू डाल लूंगी और इसको हाथ से ही जो है वो मैं तोड़ लूंगी, ये अभी थोड़े से गर्म है। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी ये हरा धनिया। तो बस सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून का स्पून लिया हुआ है मैंने, तो इसलिए मैं ये 2 डालूंगी। इसकी जगह आप केचप भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को मैं करती हूँ मिक्स। तो ये देखिए आलू को बस इस तरीके से तोड़ लेंगे। और आलू के अंदर भी मैंने कोई भी चीज़ डाल के इसको बॉईल नहीं किया था, ऐसे ही कर लिया था। और आलू इसमें हम थोड़ा कम ही डालेंगे, बस बाइंडिंग के लिए ही डाल रहे हैं आलू इसके अंदर। तो बस अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी। आप इसको बड़े या छोटे बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े इसको नहीं बनाएंगे। ये देखें बस कोफ्तों के जितना इसको बनाएंगे। सारी चीज़ें इसके अंदर पकी हुई हैं तो इसको फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखें इस तरीके से ये बन गया है और सारे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो ये देखें सारे मैंने बना लिए हैं। और अब जो है मैं एक उठाऊँगी और इसको इस तरीके से अंडे में लगाऊंगी पहले। अगर आप हाथ से लगा रहे हैं इसको तो एक हाथ आप रखें इसको एग वाला और एक हाथ में ये जो है इसको मैंने देखे इस तरीके से चूरा कर लिया है कॉर्नफ्लेक्स को। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी इसको और इसको अच्छी तरीके से कोट करूंगी। इसको मैंने चूरा चूरा कर लिया था, ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं। ये देखें ये एक हो गया इस तरीके से। अब हम इसको दोबारा से अंडे में डालेंगे, इसकी डबल कोटिंग करेंगे। अच्छे से इसको हल्के हाथ से घुमाते रहे, देखें खुद ही ये जो है इसके ऊपर लगते रहेंगे ये। और ये देखें इस तरीके से ये हो गया है। मैं सारे इसी तरीके से बना लूंगी और इसको एक साथ ही हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने पहले ही ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए, तो ये अच्छा गरम हो चुका है। और इसकी फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम और इसको डाल देंगे इस तरह से बिस्मिल्लाह। तो इसको हम थोड़ा हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसके ऊपर जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए और बाकी सारी चीज़ें तो ये पकी हुई हैं। लेकिन इसको डालने के बाद फ़ौरन से नहीं हिलाना है हमने क्योंकि इसकी कोटिंग हट सकती है और ये फट भी सकता है। तो बस ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में जो है डन हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा इस तरह पकड़ के भी इस तरह कर सकते हैं,
बस इससे ज़्यादा इसको नहीं चलाएंगे। और ये बहुत ही जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी। देखिए इसका कितना अच्छे से कलर आ गया है। और इसको चेंज करने के लिए मैंने बस इस तरीके से कांटे को ही घुमाया है और ये हो गया। और ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे से ये बन गए हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ानों में, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखें ये तैयार हो गई है। तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी मेयोनीज़ इस तरीके से। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप कर लें, ये बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखें मेरी डिश जो है वो आज की तैयार हो गई है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।